मत वाले निम्न मुद्दों पर आकर्षित करना चाहूंगा। देश के विभिन्न हिस्सों में हाल के दिनों में बढ़ रहे नक्सली माओवादी गतिविधियों व हिंसा से उत्पन्न स्थिति पर सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों पर मंत्री जी अपना वक्तव्य दें। धन्यवाद महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश के 9 राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल नक्सली हिंसा से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। खुफिया विभाग की जानकारी इस बात का संकेत देती है कि नक्सली माओवादी अपना प्रभाव अन्य राज्य केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका और उत्तराखंड में बढ़ाने में लगे हुए हैं और इस मंशा से अपनी कारगुजारियों को अंजाम दे रहे हैं। नक्सली संगठनों ने अपने प्रभावित क्षेत्रों में मुख्यतः पुलिस के अफसरों, पुलिस स्टेशनों, शस्त्रागारों एवं रेलवे निधारों के अलावा आम आदमियों को अपना निशाना बनाया है। नक्सली प्रभावित राज्य में स्थित 12,476 पुलिस स्टेशन में से 701 पुलिस स्टेशन पर हमले की सूचना सरकार के पास है। पिछले साल जहां 18 वारदातें हुई थी उसकी तुलना में इस साल केवल 4 वारदातें हुई हैं। पुलिस द्वारा नक्सलियों के विरोध में की गई कार्रवाई में 17.7% की वृद्धि हुई है। 6.5% नक्सली ने गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 27.9% नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। पिछले 2 महीनों में नक्सली गतिविधियों में पिछले वर्ष की तुलना में 12.5% की कमी आई है। सरकार ने नक्सली प्रभावित क्षेत्र में राज्य पुलिस के सहयोग के लिए एवं पूर्ण रूप से इसे निपटाने के लिए 26 बटालियन तैनात की हैं। उनके जंगल में मोर्चा संभालने के लिए प्रशिक्षण हेतु पुलिस फोर्स को आधुनिक बनाने के लिए लगभग 1,000 करोड़ की धनराशि मुहैया कराई है। लैंड माइन से बचाव के लिए राज्य सरकार को माइन प्रोटेक्टिव व्हीकल्स एवं रिजर्व बटालियन के लिए लगभग 21 करोड़ की धनराशि की सहायता दी है। धन्यवाद सर।